गाइस फ्रेंड्स, क्या आप भी पैसे देके किसी और से भाई फोटो एडिट करवाते हो? तो भाई ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपके पैसे बचने वाले हैं, ठीक है। और भाई और ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो पूरा ढंग से देख लिया तो भाई आप दूसरे की फोटो एडिट कर लोगे, ठीक है, पैसे लेकर, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ फ्रेंड्स, पेड एडिटिंग करता हूँ, मतलब दूसरे से पैसे लेता हूँ और कुछ इस तरह के भाई फोटो एडिट करता हूँ जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है फ्रेंड्स, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो भाई मैं बताने वाला हूँ, फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि भाई कुछ इस तरह से भाई फोटो कैसे आप एडिट कर सकते हो दूसरे की और भाई पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो भाई कुछ स्टेप है भाई, बैकग्राउंड कहाँ से डाउनलोड करना है आपको, भाई ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हाँ तो गाइस, आपने फोटो तो क्लिक करा लिया भाई, फोटो के हिसाब से अपना बैकग्राउंड कहाँ से डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो मैं जैसे भाई बैकग्राउंड डाउनलोड करता हूँ, कहाँ से डाउनलोड करता हूँ तो मैं ये बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले ये ऐप देख लो प्रिंटर्स करके, भाई यहाँ पे अगर आप जाओगे ना, जो आप टॉपिक सर्च करोगे ना उससे रिलेटेड बैकग्राउंड आएंगे भाई, बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से भाई आप डाउनलोड कर सकते हो बैकग्राउंड, ठीक है, और उसे रिमूव करके अपनी फोटो लगा सकते हो, ठीक है। और दूसरा स्टेप ये भाई, इंस्टाग्राम पे ऐसे लोग को फॉलो करो जो भाई फोटो एडिटिंग से रिलेटेड फोटो डालती है, ठीक है। तो भाई ऐसे भाई बहुत लोग मिल जाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भाई बहुत सारी प्रोफाइल है जो भाई मस्त मस्त फोटो डालती है, उनकी भाई फोटो उठाओ, उन्हें रिमूव करो, अपनी फोटो पेस्ट करो भाई, और आपकी फोटो एडिट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखना फ्रेंड्स। एक फोटो भाई मतलब उठाकर मैं उसको रिमूव करूंगा उस मॉडल को, और अपनी फोटो पेस्ट कैसे करेंगे ये सब कुछ बताने वाला, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना और बिल्कुल भी मिस मत करना। और चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पर फ्रेंड्स, और कुछ इस तरह भाई फोटो एडिटिंग करते हैं, तो लेट्स गो फ्रेंड्स। सो गाइस हम एडिट स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं भाई, जो आपने फोटो स्क्रीनशॉट लिया होगा ना, जो उसमें भाई मॉडल दिख रहा हो, जो भाई बंदा होगा ना भाई, उसे पहले इरेज करना होगा, तभी आप अपनी फोटो लगा पाओगे, ठीक है। तो उस फोटो को पहले आपको ले जाना है स्नैपशीट में, ठीक है। तो मैं यहाँ से शेयर कर दे रहा हूँ स्नैपशीट में, ठीक है। तो ये रहा स्नैपशीट, देखो फ्रेंड्स ये स्क्रीनशॉट फोटो है, तो इसको पहले हम फटाफट क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। तो क्रॉप का ऑप्शन ये रहा, ठीक है। तो इसको एकदम परफेक्ट तरीके से क्रॉप कर लेंगे, राइट फ्रेंड्स, ठीक है। देख सकते हो फ्रेंड्स ये क्रॉप हो चुका है, ठीक है। अब टूल वाला आइकन पे जाएंगे और भाई यहाँ पे हीलिंग का ऑप्शन है ना भाई, इसे सेलेक्ट करके भाई जहाँ जहाँ ये बंदा है ना, जहाँ जहाँ ये छाता वाता वगैरह वगैरह है, इन्हें आपको इरेज कर लेना है, ठीक है। तो वन क्लिक में ये इरेज हो जाएगा, देख सकते हो फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से ये इरेज हो चुका है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा रोड साइड में ये थोड़ा है, और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये ऑडियो का, इसे भी आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। और ये टैग का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, इसे भी आपको रिमूव कर देना है कुछ इस तरीके से, तो आपका बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पर हम एडिट करने वाले हैं, तो इसे हम कर लेते हैं सेव फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, सेव हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसे हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन करेंगे, देख सकते हो फ्रेंड्स पिक्सआर्ट एप्लीकेशन मैंने इसे ओपन कर दिया, ठीक है। तो टूल वाला आइकन पे जाएंगे भाई, इसे भाई इंस्टाग्राम का जो भाई साइज़ होता है ना उस पर कर लेंगे, ठीक है। तो भाई ये रहा, राइट पे क्लिक कर दूंगा, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमारी फोटो इस पर ही एडिट करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको भाई वो फोटो सेलेक्ट करना है जो आपको भाई अपने बैकग्राउंड पर लगाना है। तो मुझे भाई ये वाली फ़ोटो लगाना है इस बंदे की, देख सकते हो फ्रेंड्स, ये वही वाली फ़ोटो है, ठीक है। तो भाई इसे हम इरेज करेंगे, तो भाई इरेज तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि भाई इरेज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये बाइक है, ठीक है। तो एक एक पार्ट इरेज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने ऑलरेडी इरेज कर रखा है, ठीक है। तो आप भी बिल्कुल एक एक पार्ट इरेज कर लेना अगर एडिट करना हुआ तो, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, ठीक है। तो भाई मैं इरेज नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको भाई कुछ स्टेप बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले भाई इरेज टूल पर जाएंगे, और ये जो आपने फोटो सेलेक्ट किए ना भाई, इसे इन्वर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक। और भाई मैं बता दूँ भाई, यहाँ पर जाना है आपको कलर टूल में, मतलब रिस्टोर करना है इसे वापस, ठीक है। तो भाई इसका कॉपी कम कर देंगे, ये हार्डनेस कम कर देंगे, और साइज़ को हम बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और नीचे से भाई हल्का हल्का चलाएंगे, ठीक है, रोड पे से, ठीक है। जहाँ जहाँ रोड आ रहा है ना, वहाँ वहाँ आपको बस फिल करना है, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो राइट पे यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है। देख सकते हो फ्रेंड्स आधा पार्ट हमने नहीं लगाया, ठीक है। तो मैं बता दूँ भाई, जो मैंने फोटो इरेज किया था ना, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसी फोटो को देख सकते हो फ्रेंड्स, वो फोटो ये रही, ठीक है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इसको मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इरेज कर रखा है, ठीक है। तो आप भी कुछ इस तरीके से परफेक्ट तरीके से इरेज कर लेना भाई, लगता है 20-30 मिनट पर हो जाता है, ठीक है। और इसे जूम करके कुछ इस तरीके से लगा देंगे, देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है भाई, एकदम मतलब कि देख सकते हो फ्रेंड्स, नीचे शैडो भी कितना तगड़ा बन रहा है, और भाई एकदम अब लग रहा है भाई बैकग्राउंड में मैच हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था भाई, आपको एक एक पार्ट इरेज करना है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से भाई एडिट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से राइट पर क्लिक कर देंगे, बिल्कुल परफेक्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फोटो को कर लेंगे सेव, और भाई इसे लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करेंगे, कलर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करता हूँ फ्रेंड्स। सो गाइस देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर दिया, ठीक है। तो भाई ये ओपन हो रहा है, ठीक है। तो अपनी फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे जो आपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में एडिट की थी, ठीक है। तो मेरी वो वाली फोटो ये रही, ठीक है। तो मैं इसे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऑल फोटो पर क्लिक करूँगा, और वो मेरी फोटो आ चुकी है, ठीक है। सर से यही फोटो है जो हमने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में एडिट की थी, देख सकते हो फ्रेंड्स, ये वही फोटो है, ठीक है। तो भाई मैंने जो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में एडिट की थी, ठीक है। तो इस पर अपना प्रीसेट आप अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो प्रीसेट अगर आपको ये वाला प्रीसेट लगाना है तो मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड करके लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से 3 डॉट पर जाऊँगा, और ये कॉपी सेटिंग है ना, इस पर क्लिक कर दूँगा, और सब पर टिक कर दूँगा, और भाई अपनी फोटो में पेस्ट कर दूँगा जाकर, राइट पर क्लिक करके,
यहाँ थ्री डॉट पे जाके यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर पेस्ट सेटिंग पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक भाई पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स एकदम रियल लग रहा है भाई, कोई कह ही नहीं सकता भाई फेक है। देख सकते हो फ्रेंड्स बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी ऑसम लग रहा है भाई, ठीक है। तो कोई कह भी नहीं सकता यार, ठीक है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से भाई आप अपनी फोटो को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, वो भी फ्री में भाई अपने आप से, ठीक है। तो बस यहीं तक की थी वीडियो फ्रेंड्स। और ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ट्रिक चाहिए तो भाई मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर लो यार भाई, ऐसी ऐसी ट्रिक आती रहती है भाई और मचाता रहता हूँ मैं, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, लव यू फ्रेंड्स।